हेलो गाइस, आज हम एडिट करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इस फोटो में जो भी शेप्स के अंदर होंगे वो वाले कलर में होंगे और बाकी बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड वाइट में होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने लाइटरूम ऐप में फ़ोटो को ऐड कर लिया है। इसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम इस ऐप में थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे जिससे फ़ोटो और भी अच्छा दिखेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करके हम मिक्स टूल में जाएंगे और यहाँ से हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन के सैचुरेशन बढ़ा देंगे और हम ह्यू को पूरा कम कर देंगे। फिर येलो वाले टोन पे क्लिक करेंगे और इसका भी सैचुरेशन हम बढ़ा देंगे फुल और ह्यू को भी पूरा कम कर देंगे। और हम यहाँ से ल्यूमिनेंस भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 30 के आसपास। फिर हम ऑरेंज वाले टोन पे क्लिक करेंगे और इसका भी ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे जितना आपको वाइट चाहिए फेस उतना, तो मैं इतना रख लेता हूँ। और ब्लू का हम सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतना रख लेता हूँ। और यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा कम करेंगे, फिर ल्यूमिनेंस को भी कम करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ। और ये होने के बाद आप इस फ़ोटो को देख सकते हो, पहले के मुताबिक बहुत चेंज हुआ है, फ़ोटो अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम इस फ़ोटो को अभी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को हम कम करेंगे, हाईलाइट को ज़्यादा करेंगे। ये वाइट और ब्लैक आप अपने मुताबिक कर सकते हो, जैसा आपका फ़ोटो अच्छा लग रहा है। तो मैं ब्लैक को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो ये यहाँ से हमारा फ़ोटो तैयार होके आ चुका है। अभी हम इस फ़ोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें एडिट करेंगे। तो हम पिक्सआर्ट ऐप में ऐड करते हैं। हमने फ़ोटो को पिक्सआर्ट ऐप में ऐड कर लिया है। अभी हम इस फ़ोटो को हम पिक्सआर्ट ऐप में एडिट करेंगे। तो हम सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करेंगे और एडजस्ट पर जाएंगे। फिर यहाँ से हम सैचुरेशन वाले ऑप्शन को पूरा कम कर देंगे और यहाँ से क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर हम इस इरेज वाले टूल पे ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इरेज के पास। तो ये इसके हार्डनेस को हमें फुल कर लेना है और अपने मुताबिक आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ सिंपली से। आपको जिस तरह का शेप पसंद है आप वहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये सर्किल एक, सॉरी गाइस, स्क्वायर हो गया यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर लगा लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ। तो हम अभी हाथ के पास एक सर्किल लगाएंगे। इसके लिए मैं वापस शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सर्किल ऑप्शन को ले लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर हो चुका है, अभी हम यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। तो ये होने के बाद अभी हम इस कलर के कॉर्नर के पास एक लेंस लगाएंगे, येलो लेंस। इसके लिए हम ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और इस लेंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसके ब्लेंड मोड को हम यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली से कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हो चुका है, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अभी हम इसके बॉर्डर्स को लगाएंगे, फ़ोटो के बॉर्डर्स को। इसके लिए हमें ड्रॉ टूल के ऊपर जाना है, यहाँ से हम इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वाइट को ले लेना है और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके हम यहाँ पे कौन से शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लेता हूँ और इसका साइज़ देख लेता हूँ और इस तरह से आपको इसको खींचना है। ये वाला कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको अभी यहाँ से कट कर देता हूँ। इसको साइज़ को हम यहाँ पे थोड़ा छोटा करेंगे, 13 के आसपास रखते हैं। तो हाँ, ये वाला अच्छा है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे सर्किल चाहिए, तो इसके लिए हम वापस से उसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से हम सर्किल को यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से ओके। फिर इस तरह से आपको खींचना है। सर्किल को लेने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो कितना कमाल का लग रहा है। तो इसको अब इस फ़ोटो को हम फुल HD में सेव करेंगे। इसके लिए हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे और ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ से फ़ोटो फुल HD में सेव होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना। तो मिलते हैं फिर हमें अगली वीडियो पे।